प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बांग्लादेश के दौरे पर हैं। आज उनका भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी जब ढाका सोनार गांव में पैन पैसिफिक होटल पहुंचे तो भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया। प्रणय उपाध्याय मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। प्रणय, ऐसा अमूमन देखा गया है कि प्रधानमंत्री जब भी विदेश के दौरे पर होते हैं तो वो भारतीय समुदाय के लोगों से जरूर मिलते हैं, और भारतीय समुदाय के लोगों में उत्साह भी साफ देखा जा सकता है इन तस्वीरों में। निश्चित रूप से शोभना, भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की गर्मजोशी यह है कि भारतीय समुदाय के लोग भी उस वक्त होटल पहुंचे थे प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। जिस समय प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाद नेशनल मेमोरियल, नेशनल जो वॉर मेमोरियल है, वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद अपने होटल पहुंचे थे। ये आमतौर पर जब भी प्रधानमंत्री जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर उस जगह पर मौजूद जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो उनका स्वागत करने के लिए पहुँचते हैं, तो एक रस्म सी बन गई है। इस तरीके से ढाका में भी ये तस्वीर नज़र आई जब बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के जो लोग थे वो यहां पहुंचे हुए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री का पारंपरिक तौर पर स्वागत किया। और निश्चित रूप से ये जो गर्मजोशी है ये भारत बांग्लादेश के रिश्तों की भी गर्मजोशी है। जिस तरीके से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया, और बल्कि भारतीय समुदाय के जो लोग जो यहां पर काम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच में काफी मजबूत बॉन्ड है शोभना, और उसके मद्देनजर बहुत सारे लोग यहां काम करते हैं और उनके लिए भी ये निश्चित रूप से एक बड़ी चीज थी जिस तरीके से प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया, खासतौर पर बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की स्वर्ण जयंती समारोह में शरीक होने के लिए, बांग्लादेश के स्वतंत्रता समारोह की 50वीं सालगिरह के मौके पर। तो ये बताता है कि किस तरीके से दोनों देशों के जो संबंध हैं वो भी मजबूत हैं, और साथ साथ किस तरीके से सांस्कृतिक संबंध जो हैं वो साझा सांस्कृतिक जो विरासत है उसको लेकर दोनों देश काफी आश्वस्त हैं। दोनों देश एक दूसरे के साथ गर्मजोशी से आगे बढ़ना चाहते हैं, ये उसी चीज की सारी जो प्रतिबिंब है वो नजर आते हैं। बिल्कुल ठीक है प्रणय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और हम बता दें कि प्रणय ढाका में मौजूद है और पल पल का सबसे पहले अपडेट हम एबीपी न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।